होता है। एडवर्सेटिव का मतलब क्या? एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। ओके, ऐसे कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट बताता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है एक पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव है तो बाद वाला, मतलब पहला नेगेटिव है तो बाद वाला पॉजिटिव, विरोधाभास जाएगा। तो आप नोट कर लेना कुछ ऐसे कंजंक्शन जो विरोधाभास जाते हैं, जैसे बट। उसने कड़ी मेहनत की बट फेल हो गया, बट। तो बट वाला, ये सारे कंजंक्शन का या तो क्लिक कर लो या तो क्लिक कर लो। बट का तो मतलब पता है ना, ऐसे नहीं पूछना है। लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। यट, यट का दो मतलब होता है। अच्छा नहीं, बट का दो मतलब होता है, एक बट का मतलब होता है लेकिन, और एक बट का मतलब होता है के सिवाय, जहां जहां बट के सिवाय के सेंस में है वहां का बट प्रेपोजिशन। क्योंकि आप बोलोगे ना कि मैम आपने तो बोला था बट वाला सेंटेंस विरोधाभास होता है, लेकिन मैंने एक जगह देखा वहां विरोधाभास नहीं था, जब के सिवाय का सेंस आ रहा है, ठीक है। यट कहां कहां से, यट का भी दो मतलब होता है, एक उसने कड़ी मेहनत की पर फेल हो गया, पर या लेकिन, ये भी लेकिन के सेंस में ही, लेकिन किंतु परंतु। और एक यट का मतलब होता है अब तक, अब तक। ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया भाई, ये तो बहुत मुझे फंसा दिया हिंदी कर करके। कितनी की मैं हिंदी लिखूं? ओके, कितनी की हिंदी लिखवाओगे मुझसे? चलो लिखो वाइल, कहाँ लिखो? वाइल का दो मतलब होता है, ठीक है, वाइल का दो मतलब होता है। एक वाइल का मतलब होता है दौरान, एक वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि। ये सब बताना होगा क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान ना फंसने वाले। लिख लिया है वेरैज, वेरैज का मतलब भी होता है जबकि। ऐसा नहीं चलेगा, हिंदी आप करते रहना, ये गलत बात है। ऐसे ऐसे हिंदी लिखवाओगे हो गया छुट्टी, ये हो गई छुट्टी, ये मेरे को ट्रैप में फंसा रहे हैं ताकि मैम टाइम दे दे लिखने का। दो और ऑल दो सेम है, देखो बस मुझे बताना था ना, ये देखो एक दो चीज बता दो आपको। नथिंग, नथिंग बट बुक्स वॉज या वर अवेलेबल। अब आराम से का मतलब ये नहीं है ना, आराम से का मतलब ये नहीं है कि मैम आराम से पढ़ाते जाइए, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा स्पीड लेना होगा। और फिर मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। बोलोगे कितना फेल करवाओगे मैम, सब सेंटेंस में फेल करवा रहे। फिर मैंने लिखा ही हैज नॉट कम येट। फिर लिखा ही वर्कड हार्ड या ही स्टार्टेड लेट। फेल बहुत करवा दिया, ही स्टार्टेड लेट, येट ही डिडंट रीच ऑन टाइम। उसने वो जल्दी स्टार्ट किया फिर भी टाइम से नहीं पहुंचा। ओके, हाँ रहने दीजिए, सही बोला है, बस थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, समझ जाओ। चलो पहले मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ना, मुझे थोड़ा सा प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का डिफरेंस बता देना, आगे आगे मेरा काम और आसान हो जाए। यहाँ का बट जो है ना, नथिंग नथिंग बट कुछ बुक्स अवेलेबल थे, मतलब नथिंग बट। यहाँ बट का मतलब लेकिन किंतु परंतु नहीं है, यहाँ बट का मतलब है के सिवाय, के सिवाय, जिसको इंग्लिश में एक्सेप्ट बोलते हैं। एक बट का मतलब एक्सेप्ट भी जाता है, एक्सेप्ट भी जाता है, हाँ ओके। और यहाँ बट का मतलब हो रहा है लेकिन, किंतु परंतु, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ का बट कंजंक्शन है ना, कैसे पता चला कंजंक्शन है? ही सब्जेक्ट है और वर्ब्ड वर्ब है। और देखो कंजंक्शन के बाद ये भी सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिल के क्लॉज बना रहा है और क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ रहा है। बट यहाँ का बट किसी चीज को जोड़ थोड़ी रहा है, ठीक है। यहाँ का बट क्या है? यहाँ का बट प्रेपोजिशन है, कुछ जोड़ नहीं रहा है। यहाँ पे दो क्लॉज वगैरह कुछ नहीं है कि दोनों को जोड़ रहा है। यहाँ का बट कंजंक्शन है, सॉरी प्रेपोजिशन है। बुक्स के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था। आप मुझे बताओ कि वॉज होगा या वर होगा? यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब का एरर इसलिए ले लिया क्योंकि एग्जाम्स में आता है। क्यों क्यों मतलब वॉज होगा या वर होगा? क्या है? अच्छा स्ट्रेंज बोल रहे हैं कि मैम वर होगा, बट बिल्कुल नहीं होगा,
क्योंकि हम हमें हमें ना सब्जेक्ट वर्ब पढ़ते समय हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, और हमें हिंदी ट्रांसलेशन नहीं देखना होगा, हमें तो लॉजिकली ग्रामर देख के, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के वर्ब लगाना है ना। हिंदी करोगे तो बुक्स के सिवाय कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, मतलब प्रेजेंट क्या था, प्रेजेंट बुक था, ठीक है, तो आप वर लगा दोगे, बट आंसर वॉज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का बट कंजंक्शन नहीं है, यहाँ का बट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वाला जो आता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन वर्ब लगाते समय ना हमें सब्जेक्ट को देखना, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सो इट इज वॉज वॉज वॉज, यस, ट्रांसलेशन नहीं देखना। चलो यहाँ का पता तो चल गया है ना, अभी मैंने बताया कि बट का दो मतलब होता है। अगर मैं सिंपल बता के चली जाऊं ना कि बट वाला सेंटेंस विरोधाभास होता है, एक पॉजिटिव जाएगा एक नेगेटिव जाएगा, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव नहीं जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ का बट कंजंक्शन नहीं था, यहाँ का बट प्रेपोजिशन था और उसका मतलब के सिवाय के सेंस में था, बट यहाँ का बट इज अ कंजंक्शन। तो याद रखना है कि ये सारा वर्ड्स कॉन्ट्रडिक्शन विरोधाभास में तब यूज होगा ना जब वाक्य में ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ओके, यू हैव टू टेक दिस इन टू माइंड, जब ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। और अगेन यहाँ का बट देखो, उसने कड़ी मेहनत, यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा, कड़ी मेहनत की पॉजिटिव और फेल हो गया नेगेटिव, विरोधाभास जा रहा है, विरोधाभास जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, एक पॉजिटिव जा रहा है। ही हैज क्वा, हाँ, अब मैंने बोला कि देखो येट वाला सेंटेंस भी ना कॉन्ट्रडिक्शन में जाएगा, बट याद रखना है येट वाला सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन में तब जाएगा जब येट कंजंक्शन है और उसका मतलब फिर भी के सेंस में है, कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया, लेकिन फेल हो गया। तो आप मुझे बताओ कि ऊपर वाला येट, सॉरी कहाँ चलिए, कहाँ चला गया मैं, हाँ ये वाला येट क्या है जरा बताना मेरे को, क्या है, क्या है ये वाला, ही हैज नॉट कम येट, नहीं यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अच्छा ये येट क्या है, ये येट किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ येट का मतलब है अब तक, टाइम बता रहा है वो अब तक नहीं आया, लेकिन यहाँ येट का मतलब है फिर भी, वो कड़ी मेहनत किया फिर भी फेल हो, यहाँ तो पता चल गया कंजंक्शन। देखो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, और यहाँ भी एक क्लॉज है और दोनों क्लॉज को येट जोड़ रहा है, तो येट यहाँ कंजंक्शन है, और येट अगर कंजंक्शन का काम करे ना तो कॉन्ट्रडिक्टरी जाएगा, कड़ी मेहनत की पॉजिटिव, मतलब सॉरी उसने लेट से स्टार्ट किया नेगेटिव बट फिर भी टाइम से पहुंच गया। अच्छा एक मिनट, आप लोग बता क्यों नहीं रहते, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। ही स्टार्टेड लेट, ओके मैंने गलत लिख दिया था, ही स्टार्टेड अर्ली लिखना चाहिए था मुझे, बता क्यों नहीं रहते, ये सब चुपचाप बैठे हुए हैं, अभी पढ़ा तो मेरा ध्यान आ गया, ही स्टार्टेड अर्ली, चुपचाप बैठ के सिर्फ छापते रहते, बताना चाहिए ना कि मैम ये सेंटेंस विरोधाभास कैसे जा रहा है, उसने लेट से स्टार्ट किया और टाइम पे नहीं पहुंचा, तो ठीक है लेट से स्टार्ट किया टाइम पे नहीं पहुंचेगा, ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं जा रहा था ना, अब जा रहा है, उसने जल्दी स्टार्ट किया, ठीक है उसने जल्दी स्टार्ट किया पॉजिटिव, येट ही डिडंट रीच ऑन टाइम, ये नेगेटिव है, टाइम से नहीं पहुंचा, अब ये विरोधाभास जा रहा है ना, अब ये विरोधाभास जा रहा है, यस ही स्टार्टेड अर्ली, उसने जल्दी स्टार्ट, घर से जल्दी स्टार्ट किया बट फिर भी बेचारा टाइम से नहीं पहुंचा, ये विरोधाभास हो गया, और यहाँ येट कंजंक्शन है, कॉन्ट्रडिक्टरी में यूज हो रहा है, और यहाँ का येट ना कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि ये कंजंक्शन नहीं है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं जोड़ रहा, यहाँ का येट एडवर्ब है, एडवर्ब है। आप मुझे पूछोगे कि मैम कैसे पता चला कि ये एडवर्ब है, वो अब तक नहीं आया, कम की विशेषता बता रहा, येट येट अब तक नहीं आया, कम वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता, एडवर्ब एडवर्ब। सबके सब विनोद बन के बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन है ये विनोद जो कंजंक्शन से भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ही हैज नॉट कम येट, तो ये सब है, चलो ठीक है। वेरास का मतलब भी, अब हिंदी नहीं लिखूंगी, वेरास का मतलब भी है हिंदी, हिंदी नहीं, वेरास का मतलब भी है जबकि, लिखते जाओ, हाउएवर हालांकि, स्टिल फिर भी, नेवरदीलेस फिर भी, नॉनदीलेस का मतलब भी है फिर भी, ऑल्दो और दो यद्यपि, नॉट विदस्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, हिंदी में लिख लो के बावजूद, इवन इफ, इवन दो, फिर भी, ये सारे कॉन्ट्रडिक्टरी वाला कंजंक्शन, सारा कॉन्ट्रडिक्टरी। येट का यूज परफेक्ट में होता है, येट का यूज परफेक्ट में तब होगा ना, पढ़ाया है प्लस पे, येट, येट का यूज परफेक्ट में तब होगा जब येट टाइम बताएगा, टाइम बताएगा,
तब मैंने परफेक्ट में यूज किया है, बट नीचे वाले सेंटेंस में टाइम थोड़ी बता रहा है येट कि परफेक्ट में यूज करो. ओके चलो मुझे बताओ कि ये सब कॉपी कर लिया है, बाद में कर लेना. मैं इससे रिलेटेड बहुत अच्छा चीज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? इससे रिलेटेड बहुत अच्छा बताने वाली हूँ. ये आपके स्टेनो एग्जाम के क्लोज टेस्ट में आया था. स्टेनो एग्जाम के क्लोज टेस्ट में आया था. इवन इफ भी था और इवन दो भी था, और बच्चे तो पढ़ के गए थे कि मैम ने तो क्लास में बताया कि इवन इफ भी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है और इवन दो भी तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है, और दोनों ऑप्शन में है तो किसको चुनना है. लिख लिया है ना सबने. एक कॉन्ट्राडिक्शन मैं 5 बार बता चुकी हूँ, 10 बार. कॉन्ट्राडिक्शन इन हिंदी इज नोन है विरोधाभास. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है वन पार्ट विल गो पॉजिटिव एंड द अदर विल गो नेगेटिव, और द फर्स्ट विल गो नेगेटिव एंड द सेकेंड विल गो पॉजिटिव. सो दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस इन विच यू आर एक्सप्रेसिंग टू ऑपोजिट ओपिनियंस. आई एम यूजिंग हिंदी ऑल्सो, आई एम यूजिंग इंग्लिश ऑल्सो. ओके तो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेज आर द सेंटेंसेज एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज टू ऑपोजिट ओपिनियंस. हो गया चलो लिख लिया है ना. नहीं एज इफ नहीं करेंगे, एज इफ अलग है, अपने से दिमाग नहीं लगाओ. एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, जितना मैं आपको बोल रही हूँ दिमाग लगाने के लिए उतना ही लगाना है, इसमें और नहीं जोड़ना है. ओके इतना सफिशियंट है कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए. ओके कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए सफिशियंट है. नेक्स्ट आ जाओ. देखो कैसे कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है. थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया मैंने. नेवरदिलेस का मतलब है फिर भी. ही विल श्योरली डिनाई, अरे वो तो मना कर देगा, मुझे पता है कि मैं मना कर देगा. नेवरदिलेस ये कंजंक्शन है. कंजंक्शन के बाद देखो, कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज आ रहा है. यहाँ पे एक क्लॉज है, पहले तो प्रूफ करना है ना, पहले तो मुझे प्रूफ करना होगा कि नेवरदिलेस कंजंक्शन कैसे, क्योंकि दो क्लॉज को जोड़ रहा है. ही ओवर हियर इज अ सब्जेक्ट, विल श्योरली डिनाई, दिस इज अ वर्ब एंड दिस सब्जेक्ट वर्ब मेक्स अ क्लॉज. अगेन आई एम वेटिंग, दिस इज ऑल्सो अ क्लॉज एंड दिस टू क्लॉजेस हैव बीन जॉइंड बाय दिस nevertheless. So nevertheless is a conjunction over here. And nevertheless in Hindi means फिर भी. Okay, फिर भी. So this sentence is contradictory ना, वो मना करेगा but फिर भी मैं उसके decision का wait करूँगा. फिर भी I'll wait for him. मुझे पता है मना कर देगा but फिर भी मैं हाँ. Not withstanding का मतलब होता है in spite of, के बावजूद. Hindi skip करो. Very good. If you are studying English ना, तो everything should be in English. ओके दे केम लेट बट द टीचर डिडंट से एनीथिंग. देखो बट आ गया, एक तो बच्चा लेट आया, ये तो मेरे जैसे टीचर ही होगा जो माफ कर देते हैं बच्चों को. दे केम लेट नेगेटिव है, बट बेचारे टीचर ने कुछ नहीं बोला, सोचा कहीं गया होगा घूमने, यही सोच के खुश हो जाएगा ना, चलो कम से कम आ तो गया. लेट आया बट फिर भी टीचर कुछ नहीं बोला, कॉन्ट्राडिक्टरी. दूसरा, ही इज रिच बट ही इज अ माइजर. देखो बट यहाँ अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी में, वो रिच है अमीर है बट फिर भी कंजूस है, नेगेटिव. ही डिसीव्ड मी, स्टिल वाला सेंटेंस भी कॉन्ट्राडिक्टरी में जाता है. स्टिल एक स्टिल का मतलब, एक स्टिल एडजेक्टिव भी होता है, वहां कॉन्ट्राडिक्शन नहीं जाएगा. एक स्टिल का मतलब होता है ना ठहरा हुआ. स्टिल वाटर, द वाटर इज स्टिल. वाटर पानी, तालाब का पानी रुका हुआ ठहरा हुआ होता है. तो यहाँ जो स्टिल है ना, वाटर की विशेषता बता रहा है. वाटर नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव. तो यहाँ स्टिल इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. ओके आई हाँ, स्टिल विल टेक कॉन्ट्राडिक्टरी टोन ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन स्ट्रिंग इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन. उसने मुझे धोखा दिया बट फिर भी मैंने उस पर ट्रस्ट किया, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की फेल हो गया. कुछ एग्जांपल्स मैंने डाल दिया. अब इवन दो या ये भी कॉन्ट्राडिक्शन में जाता है, ठीक है? इवन दो भी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है, और इवन इफ भी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है. दोनों विरोधाभास में यूज होता है. अब आपके दिमाग में आ गया कि दोनों आ जाएगा तो क्या करेंगे मैम? कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है. जहां पे इफ लग गया ना, इफ का मतलब है अगर. अगर मतलब वो काम अभी हुआ नहीं है, अगर ये होता है तो ऐसा होगा. तो अगर का सेंस आए तो इनकम्प्लीटेड एक्शन है, और इवन दो में कंप्लीटेड एक्शन है, कंप्लीट एक्शन है. चलो इसको लिखो. चलो अब मुझे बताना, ठीक है? यहाँ पे याद रखो, इवन दो में काम हो चुका है, इवन इफ में अगर होता है तो हुआ नहीं. इवन दो या इवन इफ ही लॉस्ट हिज जॉब, ही कंटिन्यू टू सर्व इन द ऑफिस. जॉब का छूट जाने के बावजूद भी ना ऑफिस में सर्व करता रहा. तो चलो ये तो विरोधाभास जा रहा है. बेचारे ऑफिस वाले ने उसको जॉब से निकाल दिया, फिर भी ऑफिस में था, विरोधाभास जा रहा है.
कॉन्ट्रडिक्टरी जा रहा है और कॉन्ट्रडिक्टरी के लिए हम दोनों यूज करते हैं। हाँ ये देखो, इवन दो ही लॉस्ट हिज जॉब, बेचारा का जॉब लॉस्ट हो गया, इसका मतलब है जॉब खत्म हो गया, एक्शन इज कंप्लीटेड, कंप्लीट एक्शन है, कंप्लीट एक्शन है उसका जॉब। अगर ऐसा रहता ना, अगर उसका जॉब लॉस, अगर वो जॉब लॉस्ट कर जाता है तो ऐसा होगा, अभी किया नहीं है बट यहाँ तो उसने कर लिया है और कंप्लीटेड एक्शन है, और कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम इवन दो लगाएंगे, इवन दो, इवन दो, इवन दो, यद्यपि उसका जॉब लॉस हो गया फिर भी कर रहा था, फिर भी कर रहा था। इवन दो ही लूजेस हिज जॉब, ही विल कंटिन्यू टू सर्व इन द ऑफिस। अगर उसका जॉब छूट भी जाता है ना, वो ही विल कंटिन्यू, विल कंटिन्यू मतलब आगे भी कंटिन्यू करेगा, इवन दो ही, इवन इफ या इवन दो ही लूजेस, अगर उसका जॉब खत्म भी हो जाता है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर हो जाता है, कंडीशन बता जा रहा है, हो जाने के कंडीशन में, हो जाने के कंडीशन में, ठीक है। तो इवन इफ करोगे, इवन इफ करोगे, फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम इफ भी तो कंडीशन बताता है, इफ ही कम्स आई विल गो, इफ भी तो कंडीशन बताता है, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, बट इफ वाला सेंटेंस ना कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होता है, ये सिर्फ कंडीशन बताता है, अगर वो आता है ना तो मैं जाऊंगा, मैं इसी कंडीशन पे जाऊंगा ना जब वो आएगा, आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स, तब वो जाएगा, ओके okay, तो इफ सिर्फ कंडीशन बताता है, बट इवन इफ वाला सेंटेंस ना, इवन इफ ही कम्स आई विल नॉट गो, अगर वो आ भी जाता है ना तो मैं नहीं जाऊंगा, तो ये वाला सेंटेंस, इवन इफ वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, विरोधाभास, विरोधाभास। इवन और ये दो और ऑल्दो भी आता है, दो और ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की बेचारा फेल हो गया, तो दो और ऑल्दो भी एक ऐसा कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन में यूज होता है, ओके okay, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस में यूज होता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ भी कॉन्ट्राडिक्टरी में होता है, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का भी मतलब होता है के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन में यूज होता है, ठीक है, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में यूज होता है। तो आप मुझे बोलोगे मैम दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में यूज होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये कंजंक्शन है, ठीक है, ये कंजंक्शन है और ये वाला प्रेपोजिशन है, ये वाला प्रेपोजिशन, ये कंजंक्शन है और ये प्रेपोजिशन है, ओके ये डिफरेंस है, ओके। तो चलो आप कुछ सेंटेंसेस करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको मिलने वाले हैं, इंस्पाइट ऑफ या, और आप बोलोगे कि मैम इंस्पाइट और डिस्पाइट में क्या डिफरेंस है, वैसे तो दोनों प्रेपोजिशन है बट इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, ये भी एग्जाम का एक एरर है। अब बताओ, इन स्पाइट ऑफ या ऑल दो इट रेन्ड हेविली ही अटेंडेड द पार्टी, क्या होगा, भारी बारिश के बावजूद भी उसने पार्टी अटेंड किया, बारिश हो रही थी और इसके बावजूद भी उसने पार्टी अटेंड कर लिया, तो कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है, और कॉन्ट्रडिक्शन में तो हम इन स्पाइट ऑफ का भी यूज करते हैं, ऑल दो का भी यूज करते हैं, बट ऑल दो एक कंजंक्शन है और इन स्पाइट ऑफ एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ एक प्रेपोजिशन है और ऑल दो एक कंजंक्शन है। अब आपको डिसाइड करना है कि वाक्य में हमें इंस्पाइट कंजंक्शन चाहिए या प्रेपोजिशन चाहिए। चलो बता दो, ऑल्दो कैसे पता चला, ऑल्दो चाहिए, हाउ डिड यू गेट टू नो कि वहां पे हमें कंजंक्शन चाहिए, आपका आंसर सही आ रहा है बट कैसे पता चला कि वहां पे कंजंक्शन चाहिए। देखो इट, इट यहाँ सब्जेक्ट है और रेंड क्या है, रेंड इज वर्ब, रेंड इज वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब मिला के क्लॉज आता है, और क्लॉज, क्लॉज के साथ हम क्या यूज करते हैं, क्लॉज के साथ कंजंक्शन का यूज होता है, तो ऑल दो होगा, इन स्पाइट ऑफ नहीं होगा, ऑल दो होगा, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स दे हैव बिकम स्मार्ट, इन स्पाइट या ऑल दो हैवी रेन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा, यहाँ पे तो फिर भी हमारे पास दो क्लॉज है ना, एक सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ भी एक सब्जेक्ट वर्ब, और दो क्लॉज है, दोनों क्लॉज को ये ऑल दो जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो क्लॉज नहीं है, यहाँ पे एक ही क्लॉज है, सब्जेक्ट है या वर्ब, एक ही क्लॉज। अब देखना यहाँ पे क्या है, इन स्पाइट और ऑल दो हैवी रेन, हैवी क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, रेन की, और रेन नाउन है, रेन नाउन है ना, यहाँ पे कोई क्लॉज वगैरह नहीं आ रहा, यहाँ तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, क्लॉज के लिए कंजंक्शन चाहिए, बट यहाँ तो कॉमा आ गया, बाद में क्लॉज आया, इसके साथ कोई क्लॉज नहीं है, रेन, रेन इज नाउन और हैवी एडजेक्टिव है, और नाउन के साथ क्या चाहिए, नाउन के साथ प्रेपोजिशन चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने साथ नाउन लेता है, इन स्पाइट ऑफ,
irrespective of the fact, कि both the sentences are contradictory, but according to the context, na you students have to divide whether in a particular decide whether in a particular sentence you need a conjunction or you need a preposition. यहाँ पे you we had a noun, okay? We had a noun, so we needed a preposition. और यहाँ पे we had a conjunction, sorry, we had a clause, so we needed a conjunction.